Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing the various topics and issues in the integrated education or inclusive education. So today I am going to discuss recommendations and policies of program of action on integrated education. Okay, and the lecture will be in bilingual mode. You can get the learning material in English and its explanation in Hindi, and it must be useful for various teaching examinations as well as for your general awareness and for your regular BA, BEd and MA, MEd courses. Okay, so first of all, baat chal rahi hai samekit shiksha ki, vishisht shiksha ki, inclusive education ki. और इसमें हम लोगों ने एनपीई का जिक्र कर लिया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आई थी उसने किस हिसाब से देखा था स्पेशल स्कूल्स को. उसने बहुत सारी बातें की कि हमको इतना कवरेज करना है, जो थोड़ा माइल्ड हैंडीकैप बच्चा है उसको आप नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाइए, बिकॉज हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है कि हम हर बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल चला सकते हैं. फिर जो सीवियरली हैंडीकैप है उनको जरूर स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स में दी जाए. फिर उन्होंने ट्रेनिंग की बात की, वोकेशनल एजुकेशन की बात की, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको रिकॉग्निशन की बात की ताकि उनको जॉब मिल सके, और बहुत सारा इस तरीके का. तो आपको पता है कि एनपीई 1986 आया, उसके बाद उसका एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आया कि वो कितना, मतलब ग्रास रूट लेवल पे वो कितना कारगर सिद्ध हुआ, कौन सी सिचुएशन, मतलब जैसे 86 में आ गया और 1992 में बन रहा है, तो 4-5 साल बीत गए हैं, तो सिचुएशन कितनी बेहतर हुई है, क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है. तो उस तरह से पीओए ने सारे बिंदु जो एनपीई ने उठाए थे उन पे अपना व्यू पॉइंट रखा. तो पीओए जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वो प्रेजेंट सिचुएशन पहले बता रही है कि अभी स्थिति क्या है, फिर वो आगे रिकमेंड करेगी कि कैसे कैसे आप क्या बेहतर कर सकते हैं. तो उसने कहा कि द इवेल्युएशन ऑफ स्पेशल स्कूल्स एंड द स्कीम ऑफ आईईडीसी हैज रिवील्ड सम ग्रे एरियाज. मतलब उसने कहा कि जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनका उसने आकलन किया, मूल्यांकन किया, तो उसने पाया कि ये थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इतना ढंग से नहीं चल रहा है. आईईडीसी क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, ऐसे करके डिसेबल्ड चिल्ड्रेन है ना. तो वो कह रहा है कि जनरल एजुकेशन सिस्टम इज नॉट येट मोबिलाइज्ड टू ए नोटिसेबल एक्सटेंट फॉर एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड आइदर एट द सेंट्रल और द स्टेट लेवल. वो कह रहा है केंद्र के स्तर पे भी, राज्य के स्तर पे भी जो शिक्षा व्यवस्था है वो नोटिसेबल नहीं है, या आप कह सकते हैं कि नोटिस किए जाने योग्य तक गड़बड़ है, बेहतर नहीं है, गड़बड़ चल रहा है. इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कीम्स, उसने कहा बहुत सारी स्कीम का उसने इनपुट लिया, जैसे CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, DRC, डिसेबिलिटी रिसोर्स सेंटर, ECCE, आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन एटसेट्रा आर नॉट बीइंग ब्रॉट टुगेदर फॉर द एजुकेशन ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप. वो कह रहा है कि वो बच्चा जो फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए ये सारी जो स्कीम्स हैं वो आपस में मिलकर काम नहीं कर रही हैं. Some states are still reluctant to implement IEDC, while some are implementing it rather indifferently. वो कह रहे हैं कुछ राज्य तो मतलब अभी तक हिचक रहे हैं IEDC को implement करने में, और जो implement कर भी रहे हैं वो बहुत उदासीन तरीके से कर रहे हैं. Few NGOs are active in rural areas. वो कह रहे हैं बहुत कम संख्या में जो NGOs हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. The standard of education in special schools needs improvement. वो कह रहा है कि जो विशिष्ट विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षा का स्तर चल रहा है उसको सुधार की जरूरत है. Facilities for the education of children with multiple handicaps are yet to be developed. वो कह रहा है कि वो बच्चे जिनको मल्टीपल हैंडीकैपनेस है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उनके लिए अभी तक फैसिलिटीज डेवलप की जानी बाकी हैं. The early detection and intervention programs so essential for education of these children have yet to be started. ये बात हुई थी कि हम इनको early detection, देखिए जितना जल्दी आप handicapness को detect कर लेंगे उतना जल्दी आप उसको properly intervention program के तहत बेहतर कर सकते हैं, बेहतर स्थिति में ला सकते हैं. तो उसने कहा कि ये सब भी अभी शुरू नहीं हुआ है. The goal of UEE for this disadvantaged group would remain an unachievable dream unless concerted and urgent measures are taken. वो कह रहा है कि जो हमारे जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, एलिमेंट्री लेवल की शिक्षा है, उसके सार्वत्रीकरण का जो लक्ष्य है इस ग्रुप के लिए, किस ग्रुप के लिए, जो वंचित सदस्य हैं, जो डिसेबल्ड हैं बच्चे, वो बहुत दूर का ड्रीम है, वो बहुत अप्राप्य ड्रीम है. हम उसको नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम बिल्कुल एकदम वॉर फुटिंग एफर्ट नहीं लगाएंगे. तो
ये पीओए ने इस खाके से, इस शुरुआत से पीओए शुरू करता है कि प्रेजेंट सिचुएशन है क्या। फिर प्रेजेंट सिचुएशन के बाद अब आता है एनपीई का रिव्यू पर्सपेक्टिव, मतलब एनपीई ने क्या कहा था और पीओए उसको किस हिसाब से देख रहा है। एज पार्ट ऑफ इट्स कंसर्न फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज द एनपीई 1986 फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। क्योंकि एनपीई ने तो कहा था कि हम जो चिल्ड्रन हैं डिसेबिलिटीज के संग उन पर फोकस करेंगे, हम सबको शैक्षिक अवसरों की समानता पर बात करेंगे। द एनपीई 1986 रिकमेंडेड एन इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन जनरल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद लोकोमोटर हैंडीकैप्स एंड विद अदर माइल्ड डिसेबिलिटीज। यही बात हुई थी ना कि जो लोकोमोटर हैंडीकैप, थोड़ा बहुत मोटर हैंडीकैप है, माइल्ड डिसेबिलिटी है, आप उसको जनरल स्कूल में इंटीग्रेटेड एजुकेशन के तहत पढ़ा दीजिए। और ओरिएंटेशन एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ जनरल टीचर्स टू मीट स्पेशल नीड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन। और क्या करिए, जो आपका जनरल टीचर है, मतलब स्पेशल टीचर की बात नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये जो थोड़ी बहुत हैंडीकैपनेस है उसको आप जनरल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कह रहा है कि जो जनरल टीचर है उसको प्री सर्विस ट्रेनिंग दीजिए और ओरिएंटेशन दीजिए कि उसके क्लास में अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके संग कैसे डील करें। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स फॉर सीवियरली डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड एनकरेजमेंट ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन दीज टास्क। यही पूरी बात एनपीई ने कही थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का टर्म चूंकि 1990 के उत्तरार्ध में आया है, बाद में आया है, इसलिए एनपीई कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन का टर्म यूज नहीं कर रही है, क्योंकि उसके बाद ही आया लिटरेचर में हिंदुस्तान के जो भी स्पेशल एजुकेशन में। फिर द पीओए सजेस्टेड अ प्रैग्मेटिक प्लेसमेंट प्रिंसिपल। इट पोस्टुलेटेड दैट अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी हु कैन बी एजुकेटेड इन अ जनरल स्कूल शुड बी एजुकेटेड इन जनरल स्कूल ओनली एंड नॉट इन अ स्पेशल स्कूल। ठीक है, प्रैग्मेटिक बात एनपीई भी कर रही थी कि प्रैग्मेटिक मतलब, प्रैग्मेटिक का क्या मतलब कि उद्देश्य हमारा सफल होता रहे। उद्देश्य कब सफल होगा कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हैंडीकैपनेस है आप उसको बिल्कुल स्पेशल स्कूल में मत पढ़ाइए। Even those children who are initially admitted to special schools for training in a plus curriculum skills should be transferred to general schools once they acquire daily living skills, communication skills and basic academic skills. वो कह रहे हैं कि जिनके संग severely handicapness भी है, अगर वो थोड़े दिन special school में पढ़ के इस लायक बन जाते हैं, उनको डेली लिविंग आ गया है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और थोड़ा बहुत उनको बेसिक अकेडमिक स्किल आ रहा है, तो उनको भी आप जनरल एजुकेशन जनरल स्कूल्स में दीजिए। ठीक है। तो टारगेट क्या रखा पीओए ने, टारगेट रखा उसने कि फॉर अचीविंग इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज यानी शैक्षिक अवसरों की समानता को प्राप्त करने के लिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन कंपेरेबल टू अदर चिल्ड्रन। वो कह रहा है कि जो डिसेबल्ड बच्चा है, जिसको कोई ना कोई विसंगति है, वो मतलब उसको दूसरे बच्चों की तरह ही तुलना में ही क्वालिटी एजुकेशन हमको देना पड़ेगा। हाउएवर considering the financial resources likely to be available during the 8th plan, the targets for education of disabled children would be as follows. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना उस वक्त चल रही थी, तो उन्होंने कहा जितना हमारे पास financial resource है उस हिसाब से उन्होंने अपने दो goals set किए। पहला कि चिल्ड्रन हु कैन बी एजुकेटेड इन जनरल प्राइमरी स्कूल, यानी कि वो बच्चे जिनको थोड़ा मतलब नॉमिनल दिक्कत है और जो जनरल स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, उनके लिए उसने दो टारगेट सेट किए कि हम इनका 9th 5-year plan के एंड तक यूनिवर्सल इनरोलमेंट करा देंगे, यानी हर बच्चे का इनरोलमेंट हो जाए। और क्या हो, इंश्योरिंग अचीवमेंट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग थ्रू एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग टू स्पेशल नीड्स। वो कह रहा है कि आप हम सभी को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी मिनिमम 3 hours रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक, मिनिमम जो भी तय है पैमाना, वहां तक हम उनको पहुंचा देंगे। टाइम को करिकुलम में थोड़ा अडेप्ट करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े और उनकी और उनको स्पेशल नीड्स टीचिंग जो है स्पेशल नीड्स के हिसाब से दी जाए। तो ये तो उनके लिए टारगेट सेट हुआ जो कि जनरल प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। और वो बच्चे चिल्ड्रन हु रिक्वायर टू बी एजुकेटेड इन स्पेशल स्कूल्स और स्पेशल क्लासेस इन जनरल स्कूल्स, उनके लिए सेट किया गया। वो उनको भी कहा गया कि ठीक है, हम उनको 9th 5-year plan के अंत तक यूनिवर्सल इनरोलमेंट करा देंगे और ensuring achievement of level of learning commensurate with their potential, मतलब जितना उनके अंदर शक्ति है, विभव है, जहां तक वो पहुंच सकते हैं वहां तक हम उनकी लेवल ऑफ लर्निंग जरूर इंश्योर करेंगे। यहाँ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात नहीं की जा रही क्योंकि बच्चे के साथ ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये दो टारगेट सेट किए पीओए ने। और क्या किया, और भी कहा, क्या कहा, रिडक्शन ऑफ ड्रॉप आउट रेट्स एट पार विद अदर चिल्ड्रन, मतलब उनका ड्रॉप आउट रेट हम कम करने की कोशिश करेंगे। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स विद रिसोर्स सपोर्ट एंड मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ दीज चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे ही नहीं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी हम इनको सपोर्ट करेंगे और इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे।
और क्या करेंगे, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को हम इस तरह से रीओरियंट करेंगे कि वो अपनी कक्षा कक्ष के इन स्पेशल बच्चों को डील कर सके। और करेंगे रीओरियंटिंग एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स टू मीट एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो एडल्ट है जिसके संग ऐसी दिक्कतें हैं और वो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत शिक्षा पा रहा है, तो हम रीओरियंट करेंगे टीचर्स को कि वो उनको डिफरेंटली डील करें। ठीक है, इतना तो टारगेट रखा उसने पीओए ने। फिर जब टारगेट सेट किया तो उसके लिए स्ट्रैटेजी भी सेट करनी पड़ेगी कि हम इस टारगेट को पाएंगे कैसे। तो क्या कहा पीओए ने कि दी स्ट्रैटेजी ऑफ एरिया स्पेसिफिक एंड पॉपुलेशन स्पेसिफिक माइक्रो प्लानिंग फॉर यूईई इज इक्वली रेलेवेंट फॉर दिस डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि हमको देखना पड़ेगा कि किस एरिया में क्या पॉपुलेशन है, किस तरीके की डिसेबिलिटी है, क्या स्पेसिफिसिटी है, उसी हिसाब से तो आप प्लानिंग करेंगे ना कि हमको कैसा स्कूल चाहिए, बच्चे को आप जनरल स्कूल में भेजेंगे कि स्पेशल स्कूल में भेजेंगे, कैसा भेजेंगे। फिर प्लानिंग फॉर यूईई एंड एडल्ट लिटरेसी एट ऑल लेवल्स, उसने कहा सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड प्रोजेक्ट सब जो है वो लगेंगे इसमें, तब जो है इन कैटेगरी के बच्चों की एजुकेशनल नीड्स पूरी की जा सकेगी। मतलब सिर्फ केंद्र से नहीं होगा, केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक, हर लेवल पे। और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विल बी अ कंपोनेंट इन द ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज प्री सर्विस एंड इंटर सर्विस टीचर्स। वो कह रहा है कि जो ये डिसेबल्ड बच्चे हैं इनकी शिक्षा का जो कंपोनेंट है वो एजुकेशनल प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग में भी होना चाहिए। और जो डायट हैं आपके डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, जो IASE हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, विच हैव बीन प्रोवाइडेड facilities for this component will have to pay particular attention to this aspect of teacher training. वो इस तरीके का component बनाएं जिसमें teacher training में उसको include किया जा सके। While drawing up schemes for strengthening SCRTs, SCRT cells for education of the handicapped may be considered as advisory in IEDC. मतलब उसने कहा सारा कुछ किया जाए, सब लोग मिलें, सब लोग लगें, वॉर फुटिंग पे लगें, वृहद स्तर पे लगें, चाहे वो डाइट हो, चाहे IASE हो, चाहे SCRT हो, है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसे NCERT है, उसी तहत NCERT नेशनल है और स्टेट जो है SCERT स्टेट का है ना, तो सबको लगना पड़ेगा। और उसने क्या कहा, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही हैं वो ये बात ध्यान में रखें कि कुछ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी नीड्स को कैसे केटर किया जाएगा। जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आपको पता होगा कि 1986 के बाद ये आया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमको, मतलब कि हर जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कम से कम एक ब्लैक बोर्ड और दो टीचर जिसमें से एक फीमेल हो, ये बात की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो वो कह रहा है कि जो मटेरियल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत आप सप्लाई कर रहे हैं वो भी तो देखिए कि वो स्पेशल बच्चे की नीड को पूरा कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपके पास ऐसी माइक्रो प्लानिंग कि उस एरिया में जहां आप सप्लाई करने जा रहे हैं स्पेशल बच्चे हैं, तो वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मटेरियल है वो उनके हिसाब से भी होना चाहिए। स्कूल बिल्डिंग्स विल हैव टू टेक नोट ऑफ आर्किटेक्चरल एडजस्टमेंट, कि बहुत सीढ़ियां ना हो, स्लोप हो, स्लिपरी हो, अगर बहुत कई बिल्डिंग माले की है तो आप उस पे लिफ्ट हो। फिर स्पेशल स्कूल्स नीड टू बी ओपन इन द डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच हैव नो स्पेशल स्कूल फैसिलिटीज, जहां स्पेशल स्कूल्स नहीं है वहां खोले जाएं। और the education of the handicapped should form an essential component in all externally assisted basic education projects being implemented or proposed to be implemented, यानी कि जो बनाए जा रहे हैं, जो इनका प्रपोजल है कि बनाया जाएगा, सबको ये स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना होगा। और क्या कहा उसने, ये जो आपका IEDC चल रहा था ना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उसमें क्या बात कही गई, कहा गया कि the POA 1986 target of increasing enrollment of children by 25% per year was achieved as enrollment of disabled children in general schools increased from 15,000 to 30,000. वो कह रहा है कि आपको जो इनका enrollment है वो 25% हम हर साल बढ़ाएंगे, इस तरीके से इतना सारा कुछ बर्डन आ जाएगा तो उसको कैसे पाएं। वो कह रहा है एडिक्वेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स आपके पास है उसका पर्याप्त एलोकेशन कीजिए, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसी को दीजिए, किसी के पास नुकसान हो रहा है और किसी को पहुंच नहीं रहा है ऐसा मत करिए। प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शुड बी मेड एन इंटीग्रल कंपोनेंट इन एक्सटर्नली असिस्टेड बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, बेसिक एजुकेशन के जो एक्सटर्नली असिस्टेंस के प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें भी ये एक मेन घटक होना चाहिए। फिर जितना आपका ऑपरेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी चल रही है, चाहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चल रहा है, चाहे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन चल रहा है, चाहे NFE चल रहा है, उस सब में आप डिसेबल्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन का प्रोविजन रखेंगे। और क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, यानी कि जितनी स्कीम है उनके अंदर एक समन्वय होना चाहिए, चाहे वो CBR है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, या ECCE है, या VRC है, या IEDC है, सब मिलके काम करेंगे तो हम
कॉस्ट को कम कर सकते हैं और कवरेज बढ़ा सकते हैं. दिस वुड रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ, वेलफेयर, एजुकेशन, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लेबर. यानी इतनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अगर मिलकर काम करें, स्वास्थ्य भी, कल्याण भी, शिक्षा भी, आपका स्त्री और बाल विकास जो मंत्रालय है और श्रम मंत्रालय है, सब मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में इनके लिए काम करें. और क्या करें, द एनजीओज हैव टू बी इनकरेज्ड इम्प्लीमेंट IEDC पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा काम करें. दी एनजीओज इन्वॉल्व इन अदर एजुकेशन एक्टिविटीज विल बी इनकरेज टू वर्क इन दिस एरिया ऑल्सो. जो एनजीओ अदर वर्क फील्ड्स में काम करें उनको भी आप मोटिवेट कीजिए कि आप डिसेबल्ड के लिए काम करें. फिर बात क्या की POA ने वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, उसने कहा बिना वोकेशनल ट्रेनिंग के नहीं चलेगा, आप उनको जरूर कोई ना कोई कौशल सिखाइए जिससे किसी ना किसी रोजगार को अपना सकें. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे हैंडीकैप को. कैसे देंगे, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम चलती है उनकी, CTS, आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम चलती है, ATS, सेपरेट वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, VRCs. फिर वो कह रहा है कि 3% ऑफ द सीट्स फॉर एडमिशन टू ITIs अंडर द CTS एंड ATS आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स हु आर हैंडीकैप बट हैव एप्टीट्यूड एंड अदर एंड आर अदरवाइज फिट टू अंडरगो द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. वो कह रहा है कि जितना भी आपका ITI चलता है उसमें CTS और ATS के तहत आप 3% का रिजर्वेशन दीजिए एडमिशन में इन बच्चों को जो है तो कोई ना कोई हैंडीकैपनेस से कर लेंगे लेकिन उनके पास एप्टीट्यूड है, वो सीख सकते हैं. ठीक है, फिर वो कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर को NIH के तहत इनको और वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए. फिर वो कह रहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विल ऑल्सो इनकरेज वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द एरिया ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द हैंडीकैप. The CIVE, Central Institute of Vocational Education, will provide support to vocational training programs for the handicapped through teacher training material and other resources. कहने का मतलब है कि जितना कुछ चल रहा है कार्यक्रम सरकारी तंत्र में वो सब इस कॉम्पोनेंट को ध्यान रखें कि उनको स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल चाइल्ड, डिसेबल्ड चाइल्ड, हैंडीकैप चाइल्ड के लिए एक इंटेंट रखना है, एक कॉम्पोनेंट रखना है. और वोकेशनल ट्रेनिंग की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके उनकी बेहतरी के लिए काम करें. जस्ट इतना ही है इतने कहने का. और ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनको आप ट्रेन कीजिए, उनको ओरिएंट कीजिए. ऑल इन सर्विस टीचर्स शुड रिसीव अवेयरनेस इनपुट ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स. देखिए जितने भी टीचर्स न्यूली रिक्रूट होते हैं उनको सबको ओरिएंटेशन दिया जाता है. तो जब आप उनका ओरिएंटेशन कीजिए तभी आप उनको ओरिएंट कीजिए कि अगर आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है तो आप उसको कैसे डील करेंगे. कंसिडरिंग द लार्ज नंबर्स टू बी कवर्ड, द इग्नू एंड NCERT शुड प्लान क्रेडिट कोर्सेज ऑन स्पेशल एजुकेशन टू इक्विप जनरल टीचर्स टू मीट स्पेशल नीड्स. वो कह रहा है कि बहुत चूंकि बड़ा है कवरेज, हम कैसे कवर करें. तो कह रहा है इग्नू को, NCERT को ऐसे क्रेडिट कोर्सेज बनाने चाहिए जिसमें कि जिसमें कि जो जनरल टीचर है वो स्पेशल नीड के स्पेशल बच्चे को कैसे डील करेगा इसकी ट्रेनिंग का एक आप क्रेडिट कोर्स बना लीजिए ताकि वो टीचर करे तो उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाए और उसको ओरिएंटेशन भी मिल जाए. ठीक है, फिर स्पेशल टीचर्स की बात हुई कि दी NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैपनेस एंड इट्स रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बिल्ट अप कैपेसिटी टू ट्रेन सिंगल डिसेबिलिटी स्पेशल टीचर्स फॉर स्पेशल स्कूल्स. और वो टीचर्स जो स्पेशल स्कूल में सिंगल डिसेबिलिटी आई को डील करेंगे उसके लिए भी आप ट्रेनिंग चलाइए. एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रमोट स्पेशल एजुकेशन यूनिट्स इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन. जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उनमें भी स्पेशल एजुकेशन यूनिट चलनी चाहिए ताकि जो टीचर्स को मल्टी कैटेगरी डिसेबिलिटीज को डील करने की ट्रेनिंग मिल सके. और कंटेंट एंड प्रोसेस, इन्होंने क्या मतलब कैसे आप करेंगे. कंटेंट एंड प्रोसेस का मतलब है कि क्या आपकी विषय वस्तु रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी जो इतना आपने मतलब आप क्या बोल सकते हैं उसको बृहद स्तरीय जो आपका टारगेट है जो इतना आपको ग्रास रूट लेवल तक जाना है. तो वो कह रहा है कि गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल नीड्स इन द क्लासरूम बीइंग डेवलप्ड एट द NCERT विल बी मेड अवेलेबल बाय May 1993. यानी 1992 में बना, ये कह रहा है कि आप आधा ले लीजिए 1993 लेकिन NCERT से कह रहा है कि आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए गाइडलाइन बना दीजिए. और क्या कीजिए, करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के एडजस्टमेंट के लिए गाइडलाइन बनाइए. और क्या कीजिए, अचीवमेंट ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग बाय चिल्ड्रन विद माइल्ड डिसेबिलिटी शुड बी इंश्योर्ड. यानी कि उनको कम से कम वो इतना सीख जाएं कि वो अपनी जीवनचर्या चला सकें, ये आप इंश्योर कीजिए.
और क्या कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उनको कोई ना कोई एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन बच्चों को जिनको कोई हैंडीकैपनेस है। उनसे आप नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो नियत समय पर, नियत जितने भी आपके तिथियां हैं उन पर आके एग्जामिनेशन देंगे। आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट अडेप्टेशन करना होगा। और वो क्या कह रहे हैं कि NIH, NCERT, वो इस तरीके के बच्चों के लिए लर्निंग एड इक्विपमेंट जैसे ब्रेल की किताबें, ब्रेल एड, ऑडियो विजुअल मटेरियल एड वगैरह डेवलप करें। और इतना कुछ करने के बाद वो कह रहा है कि कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी, कैसे इवेलुएट किया जाएगा कि एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी शुड बी सेटअप एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स फॉर मॉनिटरिंग। वो कह रहा है कि इंटर डिपार्टमेंटल यानी कि कई डिपार्टमेंट को मिला के आप इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना लीजिए राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर, जो मॉनिटर कर पाए इन इन ट्रेनिंग सेंटर्स को, इन वोकेशनल ट्रेनिंग को, इस करिकुलम को, ये गाइडलाइन को, कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। इन एडिशन रेगुलर विजिट्स बाय द ऑफिसर्स ऑफ द MHRD, NCERT, RIEs एंड होना चाहिए था एंड फील्ड ऑफिसर्स शुड लीड टू स्टेटस रिपोर्ट। वो कह रहा है कि जो MHRD के ऑफिसर्स हैं, NCERT में जो हाईएस्ट पोजीशंस पे हैं, जो RIEs के प्रोफेसर हैं, उनको भी रेगुलर विजिट करनी चाहिए। और इवेलुएशन स्टडीज बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज कंडक्टिंग कोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्संस इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरियाज विल बी कमीशन्ड बाय MHRD इन द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। यानी MHRD और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर मिलकर ये मॉनिटरिंग और इवेलुएशन का काम करें कि इतना कुछ प्लानिंग है तो वो कितनी सक्सेसफुल है, कहाँ दिक्कतें हैं, जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये भी आपकी जनसंख्या का हिस्सा है, आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो इनके भी, इनको भी राइट है कि इनको आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। तो POA 1992 में ये सब कुछ कह के गया है, ठीक है। तो इन दिस वे आई हैव कवर्ड द रिकमेंडेशंस एंड पॉलिसीज ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ऑन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स, ओनली फ्यू पॉइंट्स हैव बीन लेफ्ट बिकॉज इट हैज बिकम ऑलरेडी वेरी लेंथी। सो इट विल सर्व योर पर्पस एंड थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।